नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, जासूसी एक ऐसा पेशा है जो हर काल में हर दौर में राजा महाराजा भी करवाते रहे, और अब मौजूदा अगर स्टेटस देखें तो हर देश में जासूसी करवाई जाती है, और जो देश जासूसी करवाता है उसकी नज़र में वो एक पेशा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे देश में अगर हमारा पड़ोसी जासूसी करवाता है तो फिर अगर वो पकड़ में आ जाए तो फिर उसकी खैर नहीं होती। लेकिन एक और बात है, अब जासूसी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि सबसे जो इफेक्टिव जासूस होते हैं उनमें महिलाएं सबसे टॉप पे होती हैं, यानी कि महिलाएं सबसे अच्छी जासूसी कर सकती हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आर्मी, हमारी भारतीय आर्मी और बीएसएफ कर्मचारियों को भारतीय खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट रहने को कहा है, सतर्क रहने को कहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने ये कहा है कि किसी भी अनजान का सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। दो बातें हो गई, आप समझिए कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये क्यों है। जाहिर सी बात है कि इस काम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो आप इसे लाइक का बटन दबाइए और फिर अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि जासूसी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए भारतीय सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए एक महिला ब्रिगेड को तैयार किया गया है जिसमें 50 से ज़्यादा लड़कियां शामिल हैं, और इनको लेकर के भारतीय खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी अननोन की रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट ना की जाए। अब आती हूँ मैं असली बात पे। ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी, इंटेलिजेंट एजेंसी कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहरों में खूबसूरत लड़कियों और सेक्स वर्कर्स को इस काम के लिए तैयार करती हैं। यानी कि ये काम किस तरीके से होता है, देखिए कितना प्लान वे में ये लोग कर रहे हैं। हमारे जो हमारी जवान हैं, हमारे फोर्सेस के जवान हैं, उनको बरगलाने के लिए, फंसाने के लिए, उनसे जानकारियां जुटाने के लिए इन लड़कियों को जो इनका सिलेक्शन होता है, सबसे पहला उसमें अहम जो पैमाना होता है, जो इनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उनका खूबसूरती उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। कई बार इस काम के लिए कॉलेज गर्ल्स को भी अलग अलग किस्म के लालच दे करके तैयार किया जाता है, और इन लड़कियों को ट्रेनिंग के बाद इंडियन फोर्सेस के जवानों और ऑफिसर्स से बातचीत करने का तरीका बताया जाता है, तैयार किया जाता है, और इस ट्रेनिंग में उन्हें इंडियन फोर्सेस के बारे में पूरी जानकारी पहले ही दे दी जाती है। अफसरों के रैंक, यूनिट के बारे में जानकारी, उनकी लोकेशंस, सब कुछ इन्हें बता दिया जाता है। और हनी ट्रैप के इस पूरे खेल के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर भी इन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। कौन से ऑफिसर्स? पड़ोसी देश के। यानी कि इन लड़कियों का रोल एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं होता, और बाद में इन्हें हटा दिया जाता है या उन्हें नया काम सौंप दिया जाता है। और कई बार तो अगर जो जासूस लड़की है वो कहीं पकड़ी जाती है तो उसकी फिर वो खैर खबर भी नहीं लेते, वो ये कह देते हैं कि ये हमारे देश से है ही नहीं। और जासूस के बारे में अक्सर उसके साथ ऐसा ही ट्रेजडी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जासूसी बहुत पुराना एक पेशा है, राजा महाराजा भी इस के जरिए अपने दुश्मनों पर नज़र रखते थे,
और उनके जो उनकी तैयारियां रहती थी, मीन्स उनके पास कितनी फोर्स है, उनकी क्या तैयारियां हैं, वो सब जानकारियां वो जासूस के जरिए पाते थे। यानी कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, सभी अपने अपने दुश्मनों या उन तमाम देशों के खिलाफ जासूसी करवाते हैं जिनसे उन्हें किस तरीके का खतरा होता है, और हमसे, हमारे देश को, हमारे देश से किसे खतरा है। मैंने आपको बताया कि इसके लिए हर एक देश के पास खुफिया एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ, उनके पास खुफिया एजेंट्स हैं जिन्हें इस काम में अलग-अलग तरीके से लगाया जाता है। लेकिन एक और बड़ी खास बात है कि अब जासूसी के तरीके बदल गए हैं, और आजकल सोशल मीडिया के जरिए बड़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर ली जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनके बारे में सारी जानकारी सोशल मीडिया पे वैसे ही उपलब्ध रहती है। सोशल मीडिया के कुछ नियम हैं, जहाँ पर आपकी एज होगी, आप एज गलत बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, आई मीन जो उनका दिन होता है, डेट होती है, वो सही बताते हैं। अपना, अगर कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी फोटो वगैरह डालता है, तो वो अपना आइडेंटिटी भी सही रखता है। लेकिन अगर हम अपनी फोर्सेस की बात करें, उनके जवानों की बात करें, तो उनके लिए बहुत पहले से ही ये कहा हुआ है, इवन उनको तो ये कहा हुआ है कि वो एंड्रॉयड फोन वगैरह भी ना रखें। अब चूंकि काम काज का तरीका बदल रहा है, तो हर प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क होता है, उनके काम होते हैं। अगर उनके पास फोन नहीं होगा तो लैपटॉप पे वो काम कर सकते हैं, लैपटॉप पे आप अपना कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर सकते हैं। खैर, आज मैं जिस कहानी की बात कर रही हूँ, वो कहानी का जो प्लॉट है, वो है राजस्थान में जोधपुर जिला, जहाँ पर भारतीय सेना का बहुत बड़ा अहम महकमे का बेस है, और वहाँ एक भारतीय सेना का जवान पोस्टेड था। छोटी सी उम्र होती है उसकी, 24 साल की, और एक दिन अचानक उसको एक कॉल आती है अननोन नंबर से। कॉल करने वाली लड़की होती है, उसकी आवाज़ बड़ी मिठास भरी होती है, और वो किसी दूसरे जवान का नाम लेकर के उससे बात करती है कि आप ये बोल रहे हैं, पला पला बोल रहे हैं, और यहीं से रॉन्ग नंबर का खेल शुरू हो जाता है। कई बार होता है ना, रॉन्ग नंबर पर सामने वाला पीछे ही पड़ जाता है, और अगर एक युवक के पीछे एक लड़की पड़ जाए, बार बार फोन करे रॉन्ग नंबर की आड़ में, तो जाहिर सी बात है वो लड़का कई बार फिसल भी जाता है, उससे बातचीत करनी शुरू कर देता है। और ऐसा ही यहाँ पे होता है, जवान उसे गलत नंबर होने पे, यानी कि वो कहता है कि जो नंबर आप मिलाना चाह रही हैं, जिस बंदे को आप ढूंढ रही हैं, ये उसका नंबर नहीं है। लेकिन वो लड़की जो होती है, इसको मजाक में लेती है, उस पर जोर डालती है कि वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, ताकि वो वीडियो कॉल करके इस बात की तसल्ली कर रहे हैं कि वो सामने वाला जो लड़का है वो सही बोल रहा है। अब देखिए, यहाँ समझने की बात है, जब रॉन्ग नंबर है, जब उसे बता दिया कि ये गलत नंबर है, और वो लड़की कह रही है कि नहीं, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं तो आपको चेहरा देखकर तब मैं मानूंगी कि आप वो नहीं है जिसको मैं तलाश रही हूँ। खैर, वो जवान इस बात की तसल्ली देता है, उसको व्हाट्सएप नंबर दे देता है, और व्हाट्सएप पे जब वो लड़की कॉल करके निश्चिंत हो जाती है कि सामने वाला जवान ही है, उसको तो ये देखना था कि वो फौजी जवान है जिसकी वो तलाश कर रही थी, असल में वो है या नहीं है। और ये सब जानने और ना जानने की जो जद्दोजहद होती है, उसके बीच में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और हालांकि जवान को थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि वो लड़की बार बार फोन करती है और रॉन्ग नंबर की बात करती रहती है, फिर उसको उसका व्हाट्सएप नंबर पे उससे कॉल भी कर लेती है। खैर, वो इसको बहुत छोटी सी घटना मान करके जवान जो है इसको भूलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग एक जगह अटक जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है।
इंडियन आर्मी के एक जवान से एक गुमनाम लड़की 15 से 20 मिनट तक की जो पहली जो बातचीत होती है आने वाले चंद महीनों में, उसके साथ कितना बड़ा खेल करने वाली थी उसे अंदाज नहीं था। हाँ, उसे एक अंदर से ये लग रहा था कि एक लड़की उससे बात कर रही है। क्यों बात कर रही है? वो उस तह तक पहुंच पाता तब तक जो है लड़की बातों का सिलसिला शुरू कर लेती है उससे। काफी कोशिशों के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अब जाने अनजाने इंडियन आर्मी से जुड़ा ये जवान आर्मी से जुड़ी कई खुफिया संवेदनशील जो जानकारियां हैं वो अपनी एक जो नई दोस्त बनती है चुलबुली सी लड़की उसके साथ साझा करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब व्हाट्सएप पे उनकी वन टू वन बात होती है, व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे, तो वो देखता है कि उसने भी आर्मी की वर्दी पहनी हुई है, अब वो काम कर रही है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और उसके बाद लड़की अपने आप को बताती है कि वो एएमसी में लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात है और अपना काम सीख रही है। और जब भी उनकी बात होती तो वो अपने ऑफिस में बैठी होती थी और वो जवान कहीं भी कहीं से भी उससे बात करने के लिए जुड़ जाता था। लेकिन ये लड़की ना तो इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई थी, ना कोई काम सीख रही थी, बल्कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और वहाँ की फौज की ओर से प्लांट की गई थी। हनी ट्रैप की एक ऐसी शातिर खिलाड़ी थी जिसका काम ही हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को फंस करके और उनसे खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना था। और अपने इस काम के लिए ये जो लड़की थी फर्स्ट फेज में पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो आर्मी में गनर प्रदीप को अपनी झूठी बातों पर यकीन दिलाने के लिए कामयाब हो चुकी थी। और लड़की ने अपना नाम रिया बताया था और ये जो जवान है जो उसके जाल में फंसता है उसका नाम प्रदीप। अब प्रदीप की रिया से दोस्ती शुरू हो चुकी थी। कम से कम प्रदीप को तो यही लग रहा था कि दोनों आपस में दोस्त हैं। लंबी बातें भी होने लगी और वीडियो कॉल का सिलसिला भी चल पड़ा। रिया अक्सर दिखती उसे ऑफिस में बैठी हुई यूनिफॉर्म पहने हुए, जो उसका बैकग्राउंड में जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो भी लगता कि किसी आर्मी के ऑफिस में वो बैठी हुई है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और ये बातचीत मोहब्बत तक पहुंच गई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उस लड़की ने अपने कपड़े उतार करके प्रदीप को अपना अंदर से सब कुछ दिखाने की कोशिश की ताकि वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाए। जवान रिया की खूबसूरत अदाओं में आर्मी का ये जो जवान था प्रदीप पूरी तरह से फंस चुका था। जवान इसी साल 14 और 15 जनवरी को जैसलमेर के लाठी गांव में अपनी यूनिट के साथ सालाना युद्धाभ्यास के लिए पहुंचा हुआ था और वहां करीब हफ्ते भर के बाद वापस लौटा। और इसी दौरान उसकी हर शाम रिया से बातें होती और रिया जो भी कहती वो उसको जानकारी देता रहता कि आज ड्रिल हुई, आज ये हुआ, ये सब तमाम तस्वीरें उसको भेजता। असल में रिया बहुत शातिर थी, या यूं कहिए कि उसको इतना ट्रेन कर दिया गया था। उसने और जानकारियां जुटाने के लिए एक मनगढ़ंत से कहानी गढ़ी। उसने जवान से कहा कि वो अपने यूनिट में काम करने वाली एक लड़की से लड़ बैठी है और अब चूंकि उन दोनों लड़कियों में लड़ाई हो गई तो आर्मी में उसे पता था, उसे सिखाया गया था कि अगर दो लोग आपस में लड़ जाएं तो फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो वो प्रदीप को कहती है कि उसको अब पनिशमेंट मिली है और पनिशमेंट के तौर पे उसको क्लर्क का काम सौंप दिया गया है। चूंकि उसे ये काम नहीं आता तो उसे अब मदद की ज़रूरत है और मदद के नाम पे वो जवान से यूनिट से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियां मांगने लगी। इधर
प्रदीप उसे जहां वो तैनात था सारी जानकारियां उसको देने लग गया। जवान के जोधपुर लौट आने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। पहले तो वो युद्ध अभ्यास के लिए गया हुआ था, अब वो अपना वापस यूनिट में लौट आया था और ISI की जासूस रिया ने उसे कहा कि उसकी यूनिट में क्लर्क के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे अपने काम के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें चाहिए। इस पर जवान ने उसे चुपके से बड़े बड़े जो नक्शे थे उनको कई हिस्सों में उनके फ़ोटो खींच के भेज दिए। फिर नज़र बजा करके मिसाइल यूनिट की बैटरी रूम में रखे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी उसने रिया को दी। उसने वहाँ के कंप्यूटर के कई स्क्रीनशॉट लेकर के उनके भी फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप कर दिए। कुल मिला के जो खुफिया और संवेदनशील जानकारियाँ थी वो उसने रिया के साथ शेयर कर दी। इस दौरान लगातार रिया अपनी मोहब्बत की कहानियाँ उसे शेयर करती रही। व्हाट्सएप पे वो काफ़ी मीठी मीठी बातें करती, मगर इस कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था, बल्कि अपने जाल में फंस चुके आर्मी मैन ने अपने पाकिस्तानी जासूस और जो जानकारियां थी और निकालनी थी। अब रिया ने उसे एक और चारा फेंका, उसे कहा कि वो उसने मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते में जवान से कहा कि उसकी यूनिट ने उसका व्हाट्सएप जमा कर लिया है। आप देखिए कि वो कितनी शातिर है, मतलब कहानी कैसे वो प्लान करती हुई चली जाती है और वो आर्मी का जवान कैसे फंसता हुआ चला जाता है। मार्च के महीने में मतलब वो जवान को बोलती है कि उसकी यूनिट में उसका फ़ोन जो है जमा करा लिया गया है, अब उसके पास कोई फ़ोन नहीं है। अगर वो अपना व्हाट्सएप OTP दे दे तो फिर से वो उसी नंबर पे बात कर लिया करेगी। जवान ने उसे अपने पुराने सिम का नंबर शेयर कर दिया और OTP भी दे दिया, लेकिन जवान को तब पहली बार जोर से झटका लगा जब रिया ने एक रोज़ उसको दिल्ली मिलने के लिए बुलाया और जिस बताई हुई जगह पे रिया ने कहा था कि वो पहुँचे रिया वहाँ नहीं मिलती और बार बार वो फ़ोन कर रहा होता है, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ मिलता है। असल में वो जवान के लिए ही झटके की एक शुरुआत भर थी। वो मार्च के महीने से ही राजस्थान पुलिस की सुरक्षा शाखा की रडार पे आ चुका था और पुलिस उसका फ़ोन सर्विलांस पे लगा चुकी थी और आखिरकार 21 मई को, ये जो अभी मई गया है, 21 मई को उसे जयपुर में पूछताछ के लिए बुला लिया गया। आपने ये एक छोटी सी खबर भी सुनी होगी और आपको मैं जो बात बता रही हूँ ये पूरी डिटेल में बता रही हूँ। 21 मई को उस जवान को जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सच्चाई यही है कि तब तक वो जवान जाने अनजाने इंडियन आर्मी को भी नुकसान पहुँचा चुका था और उसने सेना के काफ़ी ऑफिशियल फॉर्मेट और उससे जुड़े हुए जो तस्वीरें थी, मिसाइल यूनिट की गोपनीय जानकारियां थी, तमाम चीज़ें उसने पाकिस्तान जासूस के हवाले वो उस समय तक कर चुका था। जोधपुर के आर्मी कैंट में तैनात जवान का हनी टैप पाकिस्तान की ओर से जारी हनी टैप के इस खेल की एक छोटा सा उदाहरण है, एक बानगी है। असल में वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस बेहद सिस्टमेटिकली तरीके से ये पूरा खेल खेल रही है और खूबसूरत लड़कियों को हायर करके उनसे जासूसी करवा रही है। और देखिए, जासूसी एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको लड़की करती है जासूसी तो उसके हनी टैप में वो फंसा लेती है और खुद के उसके फंसने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0% होते हैं। जैसे कि रिया एकदम सीन से गायब हो गई और ये जो लड़का है, जवान जो है प्रदीप, ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया।
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए भारतीय सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान ने एक ब्रिगेड तैयार की है, उसमें 50 से ज़्यादा लड़कियां हैं। इनको खास तौर पे भारतीय जो फोर्सेस के BSF है, सेना है, इनके जवानों पे वो डोरे डालती हैं और उनको फंसा लेती हैं अपने प्रेम के जाल में, और उसके बाद उनसे जानकारियां निकालना शुरू कर देती हैं। उनको इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि हालांकि जो जवान होते हैं उनको भी काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब से ऐसे केसेस होने लगे हैं तो लोअर लेवल्स के जो जवान हैं उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में अलर्ट किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि आप इन सब चीज़ों से बचिए। तो आर्मी और BSF कर्मियों को भारतीय खुफिया एजेंसी ने सतर्क रहने को कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उन्हें खास तौर पे ये कहा है कि वो किसी भी अनजान का सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, और अगर वो ऐसा करते हैं और किसी की कॉल अटेंड करते हैं जो अननोन नंबर है तो फिर वो इसी तरीके से हनी ट्रैप का शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आज वीकेंड है, आप मुझे मेरे वीडियो के बारे में तसल्ली से इसको देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।